हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस का, तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप ऐसे पोस्टर खुद से बना लो। दोस्तों, इसका PHP फाइल मैं आपको दे दूँगा। PHP फाइल में पासवर्ड लगा होगा, जो कि आपको वीडियो में कहीं दो जगहों पर पासवर्ड देखने को मिलेगा, था इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको PHP फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सको। दोस्तों, ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए करते हैं वीडियो को यहां से स्टार्ट। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलिए दोस्तों, यहाँ से करते हैं हम वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों, अपने फ़ोन में पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको न्यू में देखने को मिलेगा। बीच में इस तरह का दिखेगा आपको न्यू टेक्स्ट। सबसे पहले यहां से आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। दोस्तों, न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर एक डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो आपको PHP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों, अगर आपको PHP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब ऐप में ऐड करने नहीं आता, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं अपना PHP फाइल ओपन कर लेता हूँ। PHP फाइल ओपन करने के लिए राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PHP फाइल पर जाएंगे। जैसे ओपन PHP फाइल पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर आप अपने पिक्सल लैब ऐप में PHP फाइल ऐड करोगे तो। दोस्तों, यहाँ से आपको जिसका पोस्टर डिजाइन करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार ओके करके कुछ इस तरह से हम एक बार बैक आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा PHP फाइल कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, साथ में सोशल मीडिया का यूज़र नेम भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको अपना फ़ोटो PNG इस पर लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों अपना फ़ोटो PNG लगाने से पहले जो फ़ोटो PNG इस पर लगा होगा इसको आपको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने से पहले कुछ इस तरह से हम फ़ोटो PNG को सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर डिलीट वाला बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फ़ोटो PNG यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो फ़ोटो PNG आप अपना लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से अपना फ़ोटो PNG सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों हमने अपना फ़ोटो PNG सेलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लूँगा कुछ इस तरह से और नीचे से राइट कर दूंगा। जैसे राइट करोगे आप भी अपने फ़ोटो PNG पे, तो कुछ इस तरह से आपका फ़ोटो PNG भी स्क्रीन पे कहीं भी आ जाएगा। इसको मोटे वाले बिंदु पे टैप करके दोस्तों हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फ़ोटो PNG पे टैप करके दोस्तों हम नीचे लाएंगे, जहां आपको अपना फ़ोटो PNG कुछ इस तरह से लगाना है। और यहां लाने के बाद दोस्तों बीच वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहां से कर देंगे टू बैक। जैसे टू बैक करेंगे तो फ़ोटो PNG आपका कुछ इस तरह से पीछे चला जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों नाम चेंज करने के लिए नाम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डबल टैप करेंगे, यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपका नाम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे से अपना नाम दोस्तों यहाँ पे टाइप कर लेंगे और राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। इसके अलावा अगर आप अपने सोशल मीडिया का कुछ भी यूज़र नेम देना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, तो बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। इसको देने के लिए सेम इसी तरह से यूज़र नेम के ऑप्शन पर जाएंगे, डबल टैप करेंगे, यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपके सोशल मीडिया का यूज़र नेम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से वहाँ पे टाइप कर लेंगे और राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपको अपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप इस पोस्टर में, वो चेंजेस करने के बाद इस पोस्टर को दोस्तों आपको अपने गैलरी में सेव करना है। दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए सबसे ऊपर एक सेव का आइकन बना हुआ है, इस पर चले जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे सेव एज इमेज करेंगे। जैसे सेव एज इमेज करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के दिखेगा।
बीच में दिखेगा दोस्तों आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा कर लेंगे और यहाँ दोस्तों सबसे नीचे कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे तो ये पोस्टर बन के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।